ये भी योगा करती है हमारे साथ। पोस्ट करके दिखाओ, कौन सा करोगे, चक्रासन करोगे आज? बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह के 7:45 हो रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए योगा क्लासेस, क्योंकि आज 8 बजे से हमारी योगा क्लासेस है जो रिलेटेड है प्रैक्टिकल से। कौन से प्रैक्टिकल मैं बता देना चाहूँगी, षटकर्मा की प्रैक्टिकल है, नेति पॉट वगैरह से पॉट से हम आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आप इसको देखना ना भूलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है सभी लोग मिलके। पॉट वाला तो आपने देखा ही होगा, ये हमारे कफ से रिलेटेड, साइनस से, ENT, पूरे गला, नाक, कान सबसे रिलेटेड है, तो वहीं आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने क्लासेस पे। बाय बाय क्लासेस। आज हमें संडे का दिन है, आज बुलाया था 8 बजे सभी को, आज षटक्रिया होने वाली है, तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हम पहुंच चुके हैं योगा क्लासेस पे, आधे लोग आ गए हैं आधे नहीं आए हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे इक्विपमेंट्स, अभी आगे चल के इनका भी यूज़ किया जाएगा। ये जो रस्सी थ्रेड वगैरह दिख रहा है इनका योगा क्लासेस में। तो कैसा लग रहा है आपको आज षटक्रिया करने वाले? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। करने वाले हैं पॉट की क्रिया। बस पॉट करने वाले हैं आज, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आज पॉट का होगा खाली, डरने की जरूरत। तो आज ये षटक्रिया करने वाले हैं, तो आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ। हम पहुँच चुके हैं योगा क्लासेस, देख सकते हैं। छत में जाएंगे टेरेस पे करने के लिए। चलिए मिलते हैं छत पे। पॉट दिखाओ अपना पॉट। ऊपर ऊपर जाने हो? ऊपर जाना है। चल अच्छा, और ऊपर जाना है। तो ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, सबसे ऊपर वाले टेरेस पे भी हम जाने वाले हैं, तो लोकेशन दिखाएंगे आपको। ये देखिए वाव, बहुत ही प्यारा मौसम है। यहाँ का भी ग्राउंड है आगे सामने खेलने के लिए बच्चों के। बाकी यहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या यूज़ करेंगे हम, जाला नैतिक क्रिया में क्या क्या यूज़ करते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं हम, हमने यहाँ पे रखा है गर्म और ठंडा दोनों पानी, और एक नमक का पैकेट है यहाँ पे, जिसे हम पानी को लेंगे टेम्परेचर, अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से, तो आगे बताएंगे। देखिए टेम्परेचर के हिसाब से हमें पानी लेना है और नमक को डालना है, जितना हमारा आँखों से आंसू आते हैं उसमें नमक होता है, उतना नमक उसमें प्रॉपर डालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ब्लॉकेज हो सकता है। तो प्रॉपर नमक डाल के पूरा घोल के हमें नाक से सांस नहीं लेनी है, एक नाक में प्रॉपरली जो ये पॉट है उसको डालना है और दूसरे नाक से सांस नहीं लेनी है, हमें लेनी है सांस मुंह से, और दूसरे नाक से हमारा फ्लो में जो है पानी बाहर निकलेगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, ये हमारे साइनस के लिए, जिनको कोल्ड की एलर्जी की दिक्कत रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जो नेति क्रिया है इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। से फ्लो के साथ पानी आपके दूसरे नाक से बाहर आएगा। सब बताए कैसा लगा करके, कैसा लगा एक्सपीरियंस? सबसे अच्छा इसने किया थी, करके बैठी मैडम ने लिखाई था टावल ना, मेरे जूते गीले हो गए, तेरे पास जूते पानी है? सबके नाक का पानी है। मैम सबको क्या नहीं करना है? अच्छा थोड़ी देर तक किसी को कुछ खाना नहीं है, पानी पी सकते हो, खाना मत, और कब तक नहीं खाना है मैम? आधा घंटा कम से कम, आधा वैसे मिलेगा नहीं। अभी तो बनी रहो, मिक्स मत कर लेना, मिक्स मत करना। ना ना वो पॉली के चले नीचे याद रहेगा तुम्हें बाद में, जब कोर्स खत्म हो जाएगा फिर याद रहेगा।
ये से आ रही है से बाहर डर लग रहा ऊंचाई से बहुत डर लगता है चलो क्लास हो चुकी है ओवर, हम जा रहे घर को, बाय बोलने वाली यही है। अभी किसने उठाया था इसको? जूली, ये भी योगा करती है हमारे साथ। हाँ, पोज करके दिखाओ, कौन सा करोगे, चक्रासन करोगे? आजा चल, कौन सा आसन करोगे? आ जाओ, सब सामान लेके हम जा रहे हैं घर को। ये देखिए मिल गया हमारा सामान, चलिए चलते हैं रूम पे। और आज हमने की नेति क्रिया पॉट से की, आपने देखा होगा मैंने उसके बारे में सब बताया है। तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे गले के लिए, जो साइनस से रिलेटेड होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बिना किसी के परामर्श के बिना आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कैसे करना है, कैसे अपने हेड को टिल्ट करना है, कैसे करना है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर कफ की दिक्कत रहती है मुझे, गले में अभी भी कफ हो रहा है क्योंकि वायरल चल रहा है, तो उनके लिए भी सही है। और आज बहुत अच्छा लगा सभी लोगों के साथ ये वाला प्रैक्टिकल करने में। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी ऑफिस भी जाना है, देर भी हो रही है, खाना वाना भी बनाना है, नाश्ता बनाना है। तो आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्थी।